हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? जी हाँ, अभी अभी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। मोदी सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त घोषणा कर दी है। घोषणा करने के बाद से ही हड़कंप मच चुका है भाई, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी घोषणा की गई है जिससे गरीब जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और भाई जितने भी मिडिल क्लास परिवार से हैं, यानी कि मध्य वर्ग परिवार से हैं, उनको किस प्रकार से मोदी सरकार ने और राहत प्रदान की है, ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। आने वाली जितनी भी छोटी जानकारी हो चाहे बड़ी जानकारी हो, सबकी आपको इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मैं बता दूं, आने वाले 15 दिसंबर 2023 से कुछ ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा है। आप सभी को मैं बता दूं, 2023 का अंतिम महीना है दिसंबर का, और भाई दिसंबर में ही कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जाने वाली है जो कि भाई इसी साल की योजना थी और अभी तक भी लागू नहीं हो पाई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बोर्ड परीक्षा में इस बार किन किन स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। जी हाँ, मोदी सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान करते हुए कहा है कि समय से पहले ही परीक्षा करवा ली जाए, यानी कि परीक्षा बहुत से बोर्डों ने अपनी जो डेट शीट है वो भी जारी कर दी है और फरवरी से ही एग्ज़ाम जो है वो शुरू करवाए जा रहे हैं। और जो गरीब जो छात्र हैं उनको किस प्रकार से 50,000 रुपये तक की जो छात्रवृत्ति है मोदी सरकार देने वाली है इस बार। आप सभी को मैं बता दूँ, अगर 10वीं या 12वीं में किसी भी छात्र छात्रा के 60% से ज़्यादा अंक आते हैं और वह गरीब परिवार से हैं, बीपीएल राशन कार्ड उनका बना हुआ है, तो उनको 50,000 रुपये तक की जो छात्रवृत्ति है वो इस बार दी जाने वाली है। वहीं हम बात करेंगे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को, तकरीबन 81 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो कि भाई बीपीएल में जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में। और भाई ये डाटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निकाला गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रही है। आप सभी को मैं बता दूँ, इनके लिए भी 5 तोहफे मोदी सरकार ने दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जिसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो मुख था, दरवाज़ा था, वो खोल दिया था। और भाई तकरीबन आपको डबल राशन भी बहुत से राज्यों में, बहुत से गाँव में प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने अपने खजाने का जो पिटारा था वो खोला था। आप सभी को मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे गाँव थे, राज्य थे, जहाँ पर भाई गरीब परिवार थे और अंत्योदय से भी नीचे थे भाई, यानी कि उनके पास घर भी नहीं था। उनको क्या किया है कि मोदी सरकार अब प्रति व्यक्ति यूनिट को डबल राशन, यानी कि 5 किलोग्राम जिनको राशन मिलता था उनको अब 10 किलोग्राम राशन मोदी सरकार देने की तैयारी कर रही है। आने वाले 15 दिसंबर के बाद इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। वहीं मैं आपको बता दूं, अगली जो बड़ी खबर आ रही है ये भी राशन कार्ड को ही लेकर आ रही है। जी हाँ, जिन परिवारों के पास अपना खुद का घर नहीं था, जिन परिवारों के पास अपना खुद का किसी भी प्रकार का घर नहीं है, यानी कि झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, उन परिवारों को मोदी सरकार 5 लाख रुपए का लाभ देने वाली है। जी हाँ, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें भी घर मिले, हमें भी कुछ जो आवास है वो दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो भाई बहुत से राज्यों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आपको सीधे तौर पर बैंक अकाउंटों में 5 लाख रुपये प्रदान करेगी, ताकि आप खुद अपना जो मकान है वो बना पाएँ। वहीं मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे राज्य हैं, गांव हैं, उन गांव में आपको 200-200 जो गज के जो प्लॉट है वो मोदी सरकार उपलब्ध करवाने वाली है। जी हां, आप सभी को मैं बता दूं, मोदी सरकार 200-200 जो गज के जो प्लॉट है वो काटने की प्रक्रिया 1 दिसंबर से ही होनी थी, लेकिन अभी तक ये जो स्कीम है ये सिरे नहीं चढ़ पाई थी। और आने वाले 15 दिसंबर के बाद से आपके जो स्कीम है इसका फ़ायदा मिलेगा और 200-200 गज का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गांव में प्लॉट मिलने थे उन गांव में प्लॉट दिए जाएंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी भाई। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, ये भी राशन कार्ड यानी कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए ही है। अगर आपके घर में महिला है, वह महिला गरीब परिवार वह महिला है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, गृहिणी है, परिवार का लालन पालन कर रही है, उसके खाते में अब हर साल
18,000 रुपये आने वाले हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल फ्री में, और आपको इसके वापस भी नहीं देने भाई। लाडली बहना योजना एक राज्य तक ही सीमित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब तकरीबन 5 से 6 राज्यों में इस योजना को लॉन्च करने वाली है, और भाई प्रत्येक उस महिला को जो महिला परिवार की मुखिया है उसके बैंक अकाउंटों में जो 18,000 रुपये की जलाशी है वो हर साल आएगी, यानी 1,500 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डालने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आवेदन भी देना पड़ेगा। आवेदन आप दीजिएगा, उसके बाद आपके जो फ़ायदा है आपको मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है चीनी को लेकर। लगातार पूरे देश भर में चीनी के जो दाम थे वो बढ़ाए जा रहे थे, और गरीब परिवारों की पहुँच से चीनी जो थी वो दूर होती जा रही थी। भाई आपको मैं बता दूँ, अभी तकरीबन चीनी के जो दाम हैं वो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में चल रहे हैं। किसी राज्य में 40 है तो किसी में 50, किसी में 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब 15 दिसंबर के बाद से आपको चीनी जो है वो राशन कार्ड पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम तक की जो चीनी है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल 0 रुपये में, यानी कि 0 रुपये, आपसे 1 भी रुपया पैसा सरकार नहीं लेने वाली है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी भाई उन सभी परिवारों के लिए जो परिवार राशन कार्ड पर चीनी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भी चीनी मिले। बहुत से राज्यों में चीनी पहले ही उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन बहुत से राज्यों में चीनी जो थी वो नहीं मिल रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, अब छात्रों को स्मार्टफोन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। भाई जो 10वीं में छात्र पढ़ रहे हैं, 12वीं में छात्र पढ़ रहे हैं, मोदी सरकार अब पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को एक एक स्मार्टफोन या फिर एक टैबलेट उपलब्ध करवाएगी। आने वाले 15 दिसंबर के बाद से आपको ये जो टैबलेट है ये उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि आप अपना बोर्ड की जो तैयारी है वो सुनिश्चित करें और सही से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी पढ़ाई है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, और उनको अब आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस पर कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, रोडवेज बसों में उन सभी गरीब परिवारों के जो किराए थे वो फ्री कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक भी ये जो स्कीम थी इसका जो पास था वो बनाना शुरू नहीं हुआ था। आने वाले 15 दिसंबर से रोडवेज की जो बसों का जो पास है गरीब परिवारों का, बीपीएल राशन कार्ड का, वो पास बनना शुरू हो जाएगा, और तकरीबन उन सभी परिवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है। वो अब रोडवेज की बसों में 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक सफ़र कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। भाई इसके लिए पास बनाएगा रोडवेज की बसों का, और 15 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। आप इसके फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपका जो पास बन करके आपके घर पर आ जाएगा, और आप बसों में फ्री में सफ़र कर पाएंगे। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, सभी के लिए इसका फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को मैं बता दूं, आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी, चाहे छोटी जानकारी हो चाहे बड़ी जानकारी हो, आपको सभी जानकारी समय से पहले मिलती रहे। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी ने हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।